बेटा हम सबके पास बुक है, बुक में आपकी एक्सरसाइजेस 39। कौन सी एक्सरसाइजेस है बेटा? 39। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हमें बुक में ही कंप्लीट करना है, बुक में ही फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। कौन सी फिगर, अब यहां देखो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है? यस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यस, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है। ओके, अगर मैंने इसके 4 पार्ट्स किए, क्या ये चारों पार्ट्स इक्वल है? यस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यस। क्या ये पार्ट्स इक्वल है? नो, क्योंकि ये स्मॉल है, ये उससे बिगर है, ये उससे बिगर है ना? ये तीनों इक्वल पार्ट्स नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? नो। अगर हमारी फिगर यानी ये बॉक्स बना हुआ है और इस तरह से ये डायग्राम बना हुआ है, तो क्या ये इक्वल पार्ट्स है? क्या ये इक्वल पार्ट्स है? नो, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, चारों के चारों पार्ट्स इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? नो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह ही दिया हुआ है बेटा, आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपको सिर्फ यस नो ही राइट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हमें कलर करना है। चाहे हम कलर कर सकते हैं क्रेयंस कलर से, बुक में स्केच कलर यूज मत करना, चाहे मोम की कलर हो चाहे क्रेयंस कलर हो, बट स्केच पेन या वाटर कलर कुछ यूज नहीं करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है 1/2। आपको पेंसिल से शेडेड करनी है, पेंसिल कलर जो भी है उससे आपको शेडेड करने है। कितने पार्ट शेडेड करने है? 1/2। 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा। किसी भी चीज को आधा करते हो तो उसे 1/2 ही तो बोलते हैं, ठीक है? अब देखो, जैसे मेरे पास ये ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज है, इसके इसका हाफ कर दिया, टोटल पार्ट्स 2 और इसमें शेडेड पार्ट्स कितना करना है? 1, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1। हमें 1 पार्ट शेडेड करना है, टोटल पार्ट्स कितने हमारे? 2। जैसे आपकी बुक्स में दिया हुआ है, शेडेड दिया हुआ, ये आपके पास ये डायग्राम यानी फिगर बनी हुई है, ठीक है, आपको सिर्फ शेड करना है। कितने पार्ट पे शेड करना है? 1/2 पर। कितने पर करना है? 1/2 पर, यानी 1/2 पर, यानी 1/2 पर। अब ये 1/2 यानी 2 पार्ट्स बने हुए हैं। 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और कितने पार्ट में शेडेड करना है? 1 पार्ट में। हमारा 1/2 का मतलब क्या है बेटा? 1/2 का मतलब है कि 2 पार्ट्स में तो इसे डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और उसमें 1 पार्ट हमें क्या करना है बेटा? शेडेड। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में, और इसको हाफ किया गया है यहां से, यानी इस फिगर के 2 पार्ट किए गए हैं, 1 पार्ट ये और 1 पार्ट ये, ठीक है। आपको शेडेड करना है 1 पार्ट पर, इसको सिंगल नहीं, ये पूरा 1 पार्ट है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा पूरा 1 पार्ट, क्योंकि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड, ये 1/2 है ना, टोटल 2 पार्ट्स ये हुए, और उसमें शेडेड कितने पे करना है? 1 पार्ट पे। गॉट इट बेटा? ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको फिगर बनाई गई है, पार्ट भी 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, तो आपको क्या करना है? हाफ पार्ट में कलर करना है। पर बेटा एक कंफ्यूज और क्लियर, देखो ये इसमें 4 पार्ट बनाए गए हैं। अब आप ये कहोगे, मैडम हम इसमें 2 पार्ट में कैसे शेड करें, हम इसका हाफ तो दिया ही नहीं है। बेटा आप इसलिए देखो, इसका हाफ कितना है? ये कितने हैं? 4 पार्ट है, 4 का हाफ कितने हुए? टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 है ना। अब इसका हाफ क्या होगा? 4 का हाफ क्या हुआ? 2। तो हम यहाँ कितना शेडेड पार्ट करेंगे बेटा? 2 पार्ट में शेडेड करेंगे। समझ में आ गया? अगर मान लो
ये दिया हुआ है, कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 सिक्स है। और इसने कहा है कि आपको हाफ पार्ट में शेडेड करना है, तो इसके ये सोचो ये ऊपर का पार्ट हाफ है, तो ये 3 पार्ट्स में हमारा शेडेड हो जाए। ठीक है, गॉट इट बेटा? ये आपको बुक में ही फिल करने हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? आई होप एवरीवन इज फाइन एट होम। गुड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक फ्रैक्शन। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं बेटा। कौन सा टॉपिक है हमारा? फ्रैक्शन का चैप्टर नंबर 10। हमने 9 वाला चैप्टर जो है वो स्किप कर दिया। क्यों? वो मनी का था। मैंने इसलिए स्किप किया बेटा क्योंकि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते करते बोर हो गए थे, सोचा चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम फ्रैक्शन का चैप्टर करेंगे जिससे आपको कलर करने में पेंसिल से बहुत इंजॉय महसूस करोगे। ओके, चलो फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है बेटा? फ्रैक्शन का मीन्स होता है पार्ट, यानी टुकड़े करना, पीसेस करना, हिस्से करना, किस चीज के पार्ट करना, कोई भी एक हॉल ऑब्जेक्ट यानी कंप्लीट चीज, पूरी चीज का। हॉल मीनिंग कंप्लीट, कंप्लीट यानी पूरा, राइट? इसका मतलब, फ्रैक्शन का मतलब क्या है? हमारे पास कोई भी एक कंप्लीट चीज होती है उसके पार्ट करना, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बराबर हिस्सों में बांटना, वो फ्रैक्शन कहलाता है। देखो जैसे हमने एक पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट पिज्जा है। फर्स्ट नंबर पे ये हमारा क्या है बेटा? कंप्लीट पिज्जा। एक पिज्जा ऑर्डर किया और ये राउंड शेप में ऐसे ही आता है, राउंड शेप में आता है ना, कंप्लीट आ गया। अब इस कंप्लीट पिज्जा को हम में दो बहन भाई है, आपस में शेयर करना है। आप दो बहन भाई हो, आपको आपस में शेयर करना है, तो हम इस सेकेंड नंबर वाले पिज्जा पे आते हैं। इसके मैंने 2 पार्ट्स कर दिए इक्वल। ये हमारा जो एक पिज्जा आया उसके हमने क्या किया, उसके 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे? 2। टोटल पार्ट्स हमेशा नीचे राइट किया जाता है, और जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या शेयर कर लिया या शेडेड कर दिया वो पार्ट हम ऊपर की साइड लिखते हैं यहाँ। अब हमने अपने ब्रदर को कितने पार्ट्स दिए इस कंप्लीट पिज्जा में से? 1 पार्ट। तो हमने यहाँ क्या राइट किया? 1। तो हमने यहाँ क्या राइट किया? 1। कंप्लीट पिज्जा था, कितने पार्ट्स किए? 2 पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स यहाँ लिख दिए 2। उसमें से अपने ब्रदर को कितना शेयर किया? 1। तो 1 हमने ऊपर लिखा। अब इसे रीड क्या करेंगे? 1/2। क्या रीड करेंगे? 1/2, 1/2। हम क्या बोल सकते हैं? 1/2। और हम इसे क्या भी बोल सकते हैं? और हाफ, 1/2, आधा पार्ट दिया ना, एक कंप्लीट पिज्जा में से आधा पार्ट दिया, दिया ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1/2। क्या बोल सकते हैं? 1/2। ये पढ़ते हैं राइटिंग वर्ड्स में। ओके, अच्छा अब फिर से वही, अभी तो तक हमने 2 पार्ट्स किए थे एक कंप्लीट पिज्जा के, अब हमने फिर से वही एक कंप्लीट पिज्जा है हमारे पास, पूरा कंप्लीट ऑल पिज्जा है, हमने उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में, 1 2 3। एक पिज्जा को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं इस पिज्जा के? 3 पार्ट्स। टोटल पार्ट कितने हैं? 3 पार्ट्स है। अब मैं अपने भाई तो मेरा एक ही है ना, अब मैं उसे एक ही पीस दूंगी। ठीक है, मेरे पास जो कंप्लीट पिज्जा है उसमें से मुझे अपने ब्रदर को शेयर करना है, पर मैं बराबर ही उसमें से एक पीस दूंगी। तो हमने एक कंप्लीट पिज्जा के 3 पार्ट किए, 3 पार्ट किया और उसमें से एक पार्ट दे दिया। मम्मा ने कहा तुमने एक ही पार्ट दिया है ना, तो हमने क्या, चलो ठीक है, मम्मा ने कहा 2 पार्ट्स आप ले लो और 1 पार्ट्स ब्रदर को दे दो, तो हमने 1 पार्ट अपने भाई को दे दिया। हमने बराबर हिस्सा किया, इक्वल पार्ट किया। हमारे पास जो कंप्लीट पिज्जा था, हमने नाइफ लिया, कटर लिया और कटर से उसके 3 पार्ट कर दिए, 3 पार्ट। अब 3 पार्ट्स यानी टोटल कितने पार्ट्स किए हमने? 3। अपने ब्रदर को कितना दिया? सिर्फ 1 पार्ट्स, 1 पार्ट्स। फिर हमने टोटल कितने पार्ट्स दिए थे अपने ब्रदर को? 1 पार्ट। तो 1 पार्ट ऊपर राइट कर दिया। ठीक है, बर्थडे तो मेरा ही है तो मैं तो ज्यादा ही खाऊंगी,
अपने ब्रदर को सारा क्यों दूंगी? तो मम्मा ने कहा चल ठीक है वन पार्ट दे दो। तो हमने तीन पार्ट किए और उसमें से वन पार्ट अपने भाई को दे दिया। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। ये जो राइट किया वन अपॉन टू, वन बाई टू फ्रैक्शन है, इसे फ्रैक्शन बोलते हैं। वन अपॉन थ्री, वन बाय थ्री, और फिर क्या बोल सकते हैं वर्ड्स में, वन थर्ड। वन थर्ड क्या रीड करेंगे, वन बाय थ्री। ओके, अब फिर क्या किया, वही पिज्जा एक कंप्लीट है। अब मम्मी ने कहा इसके फोर पीसेस करो, चार टुकड़े करने हैं। ठीक है, चार, दो बहन भाई तुम हो गए और दो मम्मी पापा हो गए, चार हो गए ना। मम्मी ने कहा सबको इक्वल इक्वल लेना है और इक्वल टुकड़े कर लो, चारों के पीसेस पार्ट करो, चारों के, चारों को इक्वल मिलना चाहिए। हमने क्या किया, कंप्लीट पिज्जा था, हमने उसके फोर पीसेस कर दिए। पहले हाफ ऐसे किया, फिर हाफ ऐसे किया, इक्वल फोर पीस हो गए हमारे, वन टू थ्री फोर। फोर पीस टोटल इस पिज्जा के कितने पीसेस की हमने, फोर। कंप्लीट पार्ट कितने था, एक कंप्लीट पिज्जा के कितने पार्ट्स किए, फोर पार्ट्स, टोटल पार्ट्स हमने नीचे राइट कर दिया। अब अपने भाई को कितना पार्ट दिया, वन पार्ट। अब यहाँ देखो मैंने यहाँ शेडिंग कर दिया, वन ब्रदर को दे दिया और वन पार्ट अपनी मदर को दे दिया और वन पार्ट अपने फादर को दे दिया। ठीक है, मेरे पास एक कंप्लीट पिज्जा था, मम्मा ने कहा फोर पीसेस करो और उसमें से चारों को इक्वल इक्वल ले लो। मैंने क्या किया, एक कंप्लीट पिज्जा के फोर पीसेस कर दिए, उसमें से वन पार्ट मैंने अपने भाई को दे दिया, ठीक है, ब्रदर को दे दिया, वन पार्ट अपने फादर को दे दिया और वन पार्ट अपने मदर को दे दिया। ठीक है, अब हमने टोटल पार्ट कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कितने शेयर कर दिए, वन टू थ्री, कितने शेयर किए हमने, थ्री। यहाँ क्या राइट कर देंगे, थ्री। ओके, थ्री पार्ट शेयर कर दिया। अब हमारे पास कितना बचा, टोटल पार्ट कितने थे, फोर, उसमें से हमें कितना मिला, वन पार्ट ही मिला ना हमें, हमें कितना मिला, वन पार्ट। ओके, फ्रैक्शन क्या बनी, थ्री अपॉन फोर। ये क्या फ्रैक्शन बनी, वन अपॉन फोर, ऐसे भी बोल सकते हैं थ्री बाय फोर, वन बाय फोर। इसे वर्ड्स में क्या लिखेंगे, वन फोर्थ, क्या लिखेंगे, वन फोर्थ। इसको थ्री फोर्थ, थ्री फोर्थ, ठीक है, क्या लिखेंगे, थ्री फोर्थ। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, थ्री फोर्थ। ओके, थ्री, वन फोर्थ हो गया, थ्री फोर्थ हो गया क्लियर, फ्रैक्शन हो गया हमारी। अब आते हैं फिर नेक्स्ट पर। अब इस कंप्लीट पिज्जा के मम्मा ने कहा सिक्स इक्वल पार्ट में बांट लो, कितने, सिक्स में, चलो मैंने एट में डिवाइड कर दिया, आप एट में इक्वल पार्ट कर लो। ठीक है, ये एट में कर दिया, इसमें ये फाइव नंबर पे दिया हुआ है, हमने इस पिज्जा को कितने पार्ट में डिवाइड किया, काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हमने इस पिज्जा को कितने पार्ट में डिवाइड किया, एट पार्ट में, टोटल पार्ट एट। नीचे राइट करो या ऊपर, टोटल पार्ट नीचे राइट होते हैं। ओके, एट राइट कर दिया हमने। ठीक है, अब इसमें से हमने टू पार्ट्स अपने ब्रदर को दे दिया। ठीक है, टू पार्ट्स किसे दे दिए, अपने ब्रदर को। इस कंप्लीट पिज्जा में से अपने भाई को कितना शेयर किया आपने, टू पार्ट्स, तो जो शेयर किया है वो कहां लिखेंगे, ऊपर। ओके, क्या फ्रैक्शन बन गई, टू बाय एट, टू बाय एट। ओके, टू बाय एट, लेकिन इसे लिखेंगे कैसे, टू एट। ओके, टू एट, और बोलेंगे क्या, टू बाय एट। ओके, क्या बोलेंगे, टू बाय एट। अच्छा, आप अपने मार्क्स लेते हो, आपके यूटी सीटी जो भी होते हैं ना बेटा, टेन में से होते हैं, टेन मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आते हैं, किसी के फाइव, किसी के सिक्स, किसी के सेवन, किसी के एट, किसी के टेन बाय टेन आते हैं ना बेटा। अब यहाँ देखो, मैडम ने टेस्ट तो एक ही लिया, सभी से कंप्लीट टेस्ट लिया एक, कितने मार्क्स का था वो टेस्ट, टेन मार्क्स का टोटल है ना, तो हमने टोटल क्या लिखा यहाँ पे, टेन। कंप्लीट पेपर होता है हमारा,
उसमें मार्क्स डिवाइड होता है, ये 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का, इस तरह से होता है ना, होते हैं ना बेटा ये, यानी पूरा पेपर हमारा कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे, 10। लेता कितने है, कोई कोई 8 लेता है, कोई 10 में से 9 लेता है, कोई 7 लेता है, कोई 2 लेता है, पता है। तो टोटल चीजें होती है वो बेटा नीचे राइट की जाती है, और जो नंबर हमने लिए हैं, जो ऑब्टेन किए हैं, वो हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ऊपर वाली डिजिट को क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर, और नीचे वाली डिजिट को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। गॉट इट बेटा।